Hello everyone, welcome to my channel Amarsar Academy. This is Himanshu. Let's start your topic. So basically, आज का जो topic है बहुत ही ज़्यादा interesting होने वाला है because मैं आपके साथ share करने वाला हूँ. बहुत ही बच्चों की demand थी कि सर प्लीज़ ये बताएं, स्पेशली बी फार्मा फाइनल ईयर स्टूडेंट की, कि सर बी फार्मा तो हमारा एक साल में कम्प्लीट होने वाला है और बी फार्मा के बाद क्या सर, कौन सा फील्ड हमारे लिए सही होगा, इधर हम मार्केटिंग में जाएं, इधर हम इंडस्ट्री में जाएं, सर प्लीज़ सजेस्ट. तो उसी टॉपिक के बारे में मैं मेरा एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करूँगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग या बी फार्म, मतलब जो स्टूडेंट बी फार्मा कर रहे हैं और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, हमेशा एक बार स्टूडेंट के दिमाग में जरूर आता है कि सर बी फार्म तो हम कर रहे हैं, बी फार्म के बाद क्या सर, कौन सा करियर जो है हमारे लिए सूटेबल रहेगा, आइदर हम इंडस्ट्री में जाएं, एकेडमिक में जाएं. तो देखिए, जैसा कि मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपको, मेरे को इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है और अभी मैं एकेडमिक में हूँ. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टूडेंट को मेरा ऐसा सजेशन रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आजकल के दौर में अपना करियर जो है उसी फील्ड में चूज करना चाहिए जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा वहीं आप अपनी ग्रो करेंगे. आपको डिसाइड करना ही होगा कि आफ्टर बी फार्म मुझे कैसी जॉब करनी है. मुझे इंडस्ट्री की जॉब करनी है जिसमें कि 9 to 5 जॉब है आपकी, 9 बजे जाइएंगे आप, 6 बजे या 5 बजे आपका जो ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग योर जॉब, वो कंप्लीट करके आप घर आ जाएंगे. इसमें आपके फील्ड वर्क नहीं रहेगा, ओनली आप या फिर तो QA में जॉब करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस, या फिर आप क्वालिटी कंट्रोल में जॉब करेंगे, या फिर आप ADL एनालिटिकल लेबोरेटरी डेवलपमेंट में काम करेंगे, या फिर आप रेगुलेटरी अफेयर में काम करेंगे. ओके, यहाँ पे आपको वर्क जो मिलेगा वो डेस्क वर्क मिलेगा या फिर लेबोरेटरी वर्क मिलेगा, और कुछ ऐसे साइंटिफिक वर्क आपको देखने को मिलेंगे जो कि आप इंस्ट्रूमेंटल लेबोरेटरी में देखते हैं. ओके, अब बात ये आती है कि सर मुझे तो इंटरेस्ट है लेबोरेटरी में काम करने के लिए, मुझे इंटरेस्ट है सर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मुझे इंटरेस्ट है सर रेगुलेटरी एफर्ट्स, मतलब कि विदेशों में अगर ड्रग का मार्केटिंग कैसा हो रहा है, किस हिसाब से चलता है, रेगुलेटरी एफर्ट्स के कौन कौन सी गाइडलाइन है सर. तो बेशक आपको अभी बी फार्म के बाद एम फार्मा कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं इंडस्ट्री में जाने के लिए तो आपको एम फार्मा जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है. एम फार्मा के लिए आपको सबसे पहले GPAT क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. उसका रीजन ये है कि आपको गवर्नमेंट अगर स्कॉलरशिप दे रही है तो क्यों ना स्कॉलरशिप लेके एम फार्म किया जाए. आपकी फ़ी जो है वो पूरी पूरी गवर्नमेंट के थ्रू फिल हो जाएगी, इवन आपका पैसा भी बच जाएगा. तो अगर आप सोच रहे हैं इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो मेरा ऐसा पर्सनल सजेशन है कि प्लीज़ डू एम फार्मा विथ योर स्पेशलाइजेशन, विथ योर इंटरेस्टेड सब्जेक्ट. अगर आपको फार्माकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो फार्माकोलॉजी में एम फार्मा कीजिए, सुटिक्स में है सुटिक्स में कीजिए, जो आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट में आप अगर एम फार्मा करेंगे तो बेशक आप अच्छी जॉब लेकर किसी कंपनी में काम करेंगे, चाहे वो MNC से स्टार्टिंग हो या शुरुआत में आपको एज ए फ्रेशर जो है कोई भी कंपनी मिल जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको अच्छी कंपनी भी हायर करेगी. ओके, ये तो हुई सर इंडस्ट्री की बात, कि अगर बी फार्मा करके मैं इंडस्ट्री में जाना चाहूँ तो मेरा ऐसा सजेशन है कि बी फार्मा करके नहीं, आप एम फार्मा करके इंडस्ट्री में जाएंगे तो बेटर रहेगा. बट ड्यूरिंग द बी फार्म आपको ऐसा लग रहा है कि सर नहीं, बी फार्म ही मेरे लिए काफ़ी है, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा सर. ओके, सर अभी मुझे ऐसी जॉब चाहिए, तो आप मार्केटिंग फील्ड जो है ज्वाइन कर सकते हैं. मार्केटिंग में कोई नेसेसरी नहीं है एम फार्मा करना. आप, मेरा ये सजेशन है कि आफ्टर बी फार्म आप कोई भी मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप किसी भी लोकलाइट स्टेट से हैं, लोकलाइट जगह से हैं, डिस्ट्रिक्ट से हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में आप किसी भी अच्छी कंपनी को पकड़ लीजिए. धीरे धीरे आप मार्केटिंग में किसी MNC को कंपनी को पकड़ लीजिए और करस्पॉन्डिंग MBA कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं मार्केटिंग फील्ड में जाने के लिए तो MBA आपको करना बहुत ही ज़रूरी रहेगा. देखिए, मेरा पर्सनल इंटरेक्शन इसलिए है बिकॉज अभी के ज़माने में स्टूडेंट जो है खाली ग्रेजुएशन करके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है. आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी इन द सेंस अगर फ्यूचर में आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, आप एक इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आप मार्केटिंग में जा रहे हैं, तो उस समय आपको रियलाइज होगा कि अगर मेरे पास आज MBA की डिग्री होती तो मैं मार्केटिंग में अच्छी पोजिशन में होता, क्योंकि बाद में अल्टीमेटली आपको कभी ना कभी तो MBA करनी पड़ेगी अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हो. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में लाइन में जा रहे हो तो आपको किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपको एम फार्मा तो करनी पड़ेगी. तो क्यों ना इसी स्टडी के साथ कंटिन्यू मैं एम फार्मा परफॉर्म करूँ,
तो मेरा एक पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको आप खुद किस जॉब के लिए सूटेबल हैं। ओके मतलब सर मुझे तो एकेडमिक में काम करना अच्छा लगता है, सॉरी मुझे तो सर इंडस्ट्री में काम करना अच्छा लगता है, मुझे तो लेबोरेटरी में काम करना अच्छा लगता है, तो बेशक आप एम फार्मा करिए, उसके बाद किसी कंपनी में एम फार्मा करके लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में लग जाइए। नहीं सर मुझे तो फील्ड वर्क ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे घूमना पसंद है, मुझे लोगों से मिलना पसंद है, तो मार्केटिंग जो है वो आपके लिए ही है, आप एम बी ए करिए करस्पॉन्डिंग और मार्केटिंग में लग जाइए। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है, सर मुझे इंडस्ट्री में नहीं, मुझे तो सर एकेडमिक में जाना है, मुझे पीएचडी करनी है। बिल्कुल बेशक आप एम फार्मा कीजिए, किसी भी स्पेशलाइजेशन में, केमिस्ट्री में कीजिए, एनालिसिस में कीजिए, क्यूए में कीजिए, उसके बाद आप कोई भी कॉलेज में एज ए फ्रेशर लग सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर। तो ये तीन फील्ड जो है मेनली फार्मेसी स्टूडेंट के लिए हैं। उसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि सर मुझे फार्मेसी फील्ड के अलावा अभी मैं सोच रहा हूँ मुझे अच्छी जगह से एम फार्मा करके मुझे नाइपर से करना है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए, स्पेशल दोज स्टूडेंट हु आर डूइंग एम फार्मा फ्रॉम गुड कॉलेज। तो अच्छे अच्छे कॉलेज के नाम बताने वाला हूँ, नाइपर से एम फार्मा कैसे करनी है उसका भी बताने वाला हूँ मैं। ओके सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके इसके रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है अभी भी आपके दिमाग में तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उसका रिप्लाई करने की और आंसर देने की। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।